अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको अफगानी टॉप की कटिंग बताएंगे। इसको अफगानी टॉप बोलते हैं, टॉप भी बोलते हैं। इसके लिए हमने अंदर के लिए 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है और ऊपर के लिए नेट हमने 1.5 मीटर लिया है। पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे। ये अंदर का टॉप है, इसको ऐसे हम लंबाई में डबल कर लेंगे। इसको हमने डबल में फोल्ड कर दिया है। हमें इसमें का दोनों पल्ले निकालने हैं। अब इसके बाद एक और फोल्ड कर देंगे, ऐसे हमको दोनों एक साथ निकालना है। ऊपर से इसको हम बराबर कर लेंगे। ये देखिए, ये इधर से थोड़ा से तिरछा था तो हमने इसको सीधा कर दिया है। अब इधर से हम शोल्डर लेंगे 7 इंच के। इसमें गला छोटा रहेगा तो इसलिए शोल्डर हमको बड़ा लेना है और 2.5 के गले की चौड़ाई। अब इधर से हमें 6.25 लेना है। अब ये लाइन से इसको मिला देना है। अब यहाँ हम गले की लंबाई 3 इंच है तो 3.25 इंच लेंगे, 2 पॉइंट ज्यादा लेंगे। इधर से 2.75 इंच। अब ये दोनों को हम मिला देंगे, ऐसे ऐसे डिब्बा ऐसा बना देंगे। और इसकी लंबाई हम 20 इंच लेंगे और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आधा इंच ऊपर सिलने जाएगा और 1 इंच नीचे मोड़ लेंगे तो 21.5 इंच लेंगे। अब ये लाइन को हम ऐसे सीधी खींच देंगे। मेरा 38 चेस है तो इसका चौथाई भाग 9.5 होगा और आधा इंच लूजिंग तो 10। अब इसको हम सीधा खींच लेंगे जितनी लंबाई चाहिए हमको। और यहाँ से टॉप के लिए सीधा इसको ऐसे खींच लेंगे। अब यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको हम सीधा ऐसे खींच देंगे। अब मेरी कमर 32 है तो इसका चौथाई 8 इंच होगा और आधा ही लूजिंग होगी। मेरा 2 इंच बढ़ जाएगा पूरे में दोनों साइड। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे और इधर से इसको ऐसे। अब यहां से हम 1-1 इंच की लूजिंग ले लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे मार्जिन। इसको ऐसे लाइन से मिला देंगे और फिर यहां से हम 1 इंच पे नीचे को ऐसे शेप दे देंगे। यहां से हमने 1 इंच पे निशान लगाया है और इसको हम ऐसे शेप दे देंगे। अब हम यहाँ 0.5 इंच अंदर निशान लगाएंगे। इसका शोल्डर में आगे पीछे बराबर ही रहेगा, कोई ज्यादा नहीं दे रहेगा। और इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ से 1 इंच पे गोलाई दे देंगे। और यहाँ से 2 पॉइंट। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट पे यहाँ निशान लगा के ऐसे तिरछी लाइन खींच दी है शोल्डर में। अब यहाँ पे 1 पॉइंट पे गले का गोलाई देंगे, 1 इंच पे, 1 इंच पे गले की गोलाई देंगे और इसको गोल ऐसे कटिंग हो जाएगी। ये देखिए मेरी टॉप की ड्राफ्ट लग गई है। आगे पीछे का दोनों गला एक सा रहेगा और इसकी लंबाई हमने 20 इंच ली है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है
एक इंच सिलने में जाएगा नीचे मोल्डे में और आधा इंच ऊपर जाएगा। और हमने शोल्डर 7 इंच का लिया है, इसलिए इसमें गला छोटा रहेगा। जितना गला बड़ा रहता है उतना शोल्डर छोटा होता जाता है। और हमने इसमें चेस्ट का 4/4 9.5 लिया है, आधा इंच लूजिंग लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और कमर में भी। और यहाँ से हमने 7 इंच पे निशान लगाया है कमर के लिए। और फिर यहाँ से हमने कमर का 4/4 8.5 और आधा इंच लूंगा। कमर का 4/4 मेरी 32 है तो 8 इंच रहेगा, और 8 और आधा इंच लूजिंग, और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है अंदर के मार्जिन के लिए। और इधर से हमने 1 इंच लगा करके इसको हल्का से शेप दिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए मेरे ऊपर के तो अंदर के टॉप की कटिंग हो गई है। ये हमने एक ही में आगे पीछे दोनों कटिंग कर ली है एक साथ ही। अब इसका घेर लेंगे, इसको हमने पहले डबल में किया है और फिर एक और मोड़ देंगे। इसको 4 फोल्ड में करना है। ये देखिए इधर भी बंद साइड है, इस साइड बंद है, इस साइड ओपन साइड है। अब ये टॉप को इसी के ऊपर रख लेंगे हम, और आधा इंच ऊपर रखेंगे सिलाई का मार्जिन छोड़ के। ये आधा इंच ऊपर हमने रखा है, यहीं से हम गले का निशान लगाएंगे। और लंबाई से हमें यहाँ 3 इंच ज़्यादा लेना है, 3 इंच 2.5 इंच दोनों ले सकते हैं, हम 3 इंच लेंगे। इधर से आस्तीन की लंबाई लेंगे, यहाँ से हमें जितनी है रख लेंगे। मेरी 14 इंच लंबाई है। अब यहाँ से हम 2 इंच नीचे ले जाएंगे ऐसे, और इसको तिरछे में ऐसे लैंप खींच देंगे आस्तीन के लिए। अब यहाँ से हम और यहाँ से गोलाई देते हुए इसमें मिला देंगे, ये जो हमने नाप ली है इसी में। अब यहाँ से हम इसको मिला देंगे इसे। ये देखिए हमने यस्ती से यहाँ से और नीचे जो हमने लंबाई ली थी उसे गोल राउंड में मिला दिया इसको। ये मेरा स्तीन का है, यहाँ से 2 इंच लेके फिर हमने तिरछे में ऐसे कर दिया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहां से गले के लिए आगे पीछे का गला दोनों एक सा रहेगा। ये देखिए मेरे टॉप की कटिंग हो गई है। अब ये निशान को हम निशान को मोड़ के इधर भी लगा देंगे ऐसे। ऐसे हाथ से प्रेस कर देंगे इन साइड के ऊपर। इसको हम डार्क कर देंगे, ये मेरा आस्तीन का निशान है। दोनों साइड हो गया मेरा निशान लग गया है ये स्किन के लिए। ये देखिए मेरे अफगानी टॉप कट के रेडी हो गया। अब इसको हम आपको स्टिचिंग करके दिखाएंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे।
अब हम पहले टॉप की सिलाई करेंगे, फिर ऊपर की अपान की सिलाई करेंगे, अपरान की। अब हम पहले टॉप सिलेंगे, उसके बाद ये नीचे ऊपर का कप्तान बनाएंगे। ये मेरा टॉप है, पहले हम दोनों शोल्डर जोड़ेंगे दोनों की तरफ। इसमें हम डबल बखिया चला लेंगे। अब दूसरी साइड का शोल्डर जोड़ेंगे। अब ये निशान है, इसको हम डार्क कर लेंगे। हमको ये निशान को दूसरी साइड लाना है, इसको हम डार्क कर लेंगे। और ऐसे रख के प्रेस कर देंगे। ये दूसरी साइड आ गया मेरा ये निशान। पहले नीचे का दावन बना लेंगे टॉप का, ऐसे मोड़ करके। दूसरे दावन पे इसी तरह करेंगे हम। उसको ऐसे डबल में फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए टॉप का आगे पीछे का हमने दावन सिलाई चला ली है। अब हम शोल्डर में चलाएंगे इधर, इसको हम ऐसे पतला पतला मोड़ लेंगे एकदम बारीक से, ऐसे करके इस पर सिलाई चला देंगे। इसलिए कि टॉप के ये टॉप अंदर ही रहेगा कप्तान के। अभी हम शोल्डर किनारे किनारे सिल लेंगे, इसमें पतली बखिया चला लेंगे। ये मेरा मुद्दा है। ये देखिए मुड्ढे में हमने बारीक सी पतली सी बखिया चला ली है, और दूसरी साइड भी इसी तरह कर लेंगे। ये अंदर रहेगा, नहीं तो इस पर हम पट्टी लगाकर इसको करते शोल्डर मुड्ढे को, इसलिए हमने इसको इसी में मोड़ दिया। इसके अंदर दिखेगा नहीं कप्तान के अंदर, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही मोड़ दिया। दूसरी साइड भी हम मुड्ढे में ऐसे ही मोड़ देंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने सिलाई कर ली इसमें मुड्ढी में। अब ये किनारे जो हमने साला इस पर सिलाई चलाएंगे। पूरा टॉप रेडी करने के बाद ही हम कप्तान में अटैच करेंगे। अब हम टॉप के साइड में सिलाई करेंगे। अब इसमें हम डबल सिलाई कर लेंगे साइड में। ये जहाँ निशान है इसी पर हमने सिलाई मारी है। अब दूसरी साइड भी ये निशान है, इस पर हम सिलाई मारेंगे। पहले हम डार्क कर लेंगे,
ये देखिए दूसरी साइड भी हम इसी पे सिलाई चलाएंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने ये निशान पे सिलाई चला ली है। अब इसको हम पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे। ये देखिए मेरा टॉप बन गया। इसी पे हम कप्तान अटैच करेंगे। अब ये हम कप्तान है, इसको हमने उल्टा कर दिया है और यहाँ पर हम साइड में कट लगा देंगे, निशान भी लगा देंगे इसमें। यहाँ से दोनों ऐसे अटैच करेंगे, इस साइड ऐसे मिला के इसी में निशान लगा देते हैं, कट भी मार देंगे इसमें। ये टॉप को हमने सीधा रखा है, इसको हमने उल्टा रखा है। अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, टॉप के गले से अंदर डाल देंगे। और जो हमने ये निशान लगाया था ये शोल्डर के किनारे, ये जो है इस पे हम ऐसे रख के सिलाई मारेंगे किनारे किनारे और ऐसे ही गले में दो पॉइंट पे पूरे में सिलाई मार लेंगे, दो दो पॉइंट। ये कट है शोल्डर के, जहाँ सिलाई की है शोल्डर पे वहीं पर रख रहे हैं। और पूरे गले में हम दो दो पॉइंट की सिलाई मार लेंगे, दो पॉइंट की पूरे में। ये देखिए शोल्डर पर हमने इसको मिला दिया, कट को मेरा मिल गया है। अभी गले पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ऐसे से, इसी से ये कैंची से छोटे छोटे कट लगा देंगे जिससे गला आसानी से पलट जाए। ये देखिए हमने गोल गले में छोटे छोटे कट लगा लिए हैं, इससे गला आसानी से पलट जाता है। इसको हम अंदर वाले को निकाल लेंगे, ये जो हमने अंदर कप्तान को डाला था इसको ऐसे हाथ डाल के अंदर बाहर को निकाल लेंगे, ऐसे इसको ऐसे कर देंगे। ये देखिए अब इस पर हम सिलाई मारेंगे और लेस लगा देंगे। ये देखिए मेरा पलट गया है। अब इसमें हम लैस लगा देंगे। अब ये गले में हम ये लैस लगा देंगे, जहाँ शोल्डर है वहीं से हम जोड़ना शुरू करेंगे। ये मेरा गुड्ढे का निशान है, जहाँ मैं शोल्डर जोड़ा है वहीं से हम इसको अटैच करेंगे और फिर यहाँ पर हम ला कर जोड़ देंगे। गले को अंदर टॉप वाला खींचते जाएंगे और ऐसे हम लगाते जाएंगे लैस को।
अब यहाँ पे हम ऐसे जोड़ देंगे इसको। इसको हम निकालेंगे पहले और फिर ये बेल को ऐसे करके हम जोड़ देंगे, ऐसे सिलाई मार देंगे। इसमें डबल सिलाई चला देंगे हम। ये देखिए इसी पे ऐसे बैठ जाएगी, जोड़ पता नहीं चलेगा। अब इसको जो थोड़ा बचा है इसको हम सिल देंगे। नीचे भी एक सिलाई चला लेंगे जिसमें मेरी बेल बैठ जाए लैसन में। ये देखिए हमने गले में लैस लगा ली है, नीचे घेरे में लगाएंगे ऐसे मोड़ करके, ऐसे मोड़ेंगे ऐसी पे लैस लगाते चलेंगे। ऐसे हल्का हल्का ऐसे मोड़ते जाएंगे आगे साइड को और इसी पे लैस रख के हम सिलते जाएंगे। पूरे घेरे में लैस लगा लीजिए। ये देखिए पूरी लैस मेरी घेरे में लग गई है। अब हम इधर से अस्तीन का बनाएंगे। ये यहाँ तक मेरा मुद्दा है, यहीं से 2 इंच लेकर के और इसको हम डार्क ऐसे तिरछी लाइन खींच लेंगे। और दूसरी साइड भी ऐसे कर देंगे हम। यहाँ मेरा मुद्दा है, मुद्दे के पास से हम 2 इंच आगे को लेंगे ऐसे और इधर से लेके हम ऐसे तिरछे में इसको रख करके और लाइन खींच देंगे और यहीं से हम बखे चला देंगे अस्तीन के लिए। ये देखिए मेरा ये यहाँ तक शोल्डर है, इस शोल्डर के पास से हम लेके ऐसे तिरछी बखे चला देंगे। अब दूसरी साइड भी ऐसे कर लेंगे, यहाँ से शोल्डर को हम पकड़ के ऐसे बराबर रखेंगे। यहाँ से भी हम ये मेरा अंदर का मुड्ढा है, यहीं से हम 2 इंच छोड़ करके ऐसे तिरछी लाइन खींच देंगे। ये मुड्ढे पे हाथ रख कर देखेंगे कहाँ है ये, यहाँ से 2 इंच लगा के ऐसे तिरछी लाइन खींच देंगे और इसी पे सिलाई चला देंगे।
ये देखिए मेरा तैयार हो गया है। ये स्किन ऐसी आएगी। अब इसमें हम शो बटन लगा देंगे आगे। ये देखिए हमने मेरा टॉप तैयार हो गया। इसमें हमने दो शो बटन लगा दिए। आपकी मर्जी हो तो लगाइए, नहीं तो ऐसे ही बना दीजिए।